अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़त। क्या हाल है, वापस आ गए अपने शो पर। और एक्चुअली वीकेंड तो भरपूर गुजरा होगा, बहुत ही हल्ला गुल्ला हंगामा रहा जो कि 15th एनिवर्सरी मसाला टीवी का। और 15th एनिवर्सरी के बाद ये पहला शो जो कि लज़त का है, अब जो आप देख रहे हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशन रही, बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट्स विन किए, तो वो तमाम लोग एक दफ़ा कह भी देते हैं कि जी जिन लोगों ने गिफ्ट विन किया है थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा, क्योंकि उस दिन बहुत सारे गिफ्ट्स थे। मसाला टीवी की एनिवर्सरी थी, वो भी 15th एनिवर्सरी थी, तो ऑब्वियसली सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट दिए गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आप तक पहुँचने में वो तमाम गिफ्ट्स, तो इंतज़ार कीजिएगा। बाकी आप तमाम लोगों की सपोर्ट का, पसंद करने का और इसके साथ साथ ढेर सारे प्यार का और पूरा टाइम शो देखने का और मसाला टीवी को 15वां साल तक ले जाने का, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मसाला टीवी की टीम और वो तमाम लोग जितने लोग काम कर रहे थे उस दिन, तो इतनी गहमा गहमी थी कि बहुत कम बहुत सारी बातें कर सके। वैसे तो आप करते रहेंगे, आगे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है, ये तो हो जाएगी सारी बातें। फिलहाल मैंने सोचा आज मैं कुछ भी आप लोगों के साथ नहीं ज़्यादा बात कर रही, क्योंकि आज तो शो पर बहुत कुछ हो रहा है जो कि आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। एक चीज़ जो एक और हो रही है, तमाम मैं कहूँगी तमाम लोग, इवन के ख़वातीन, मर्द, ज़रा बच्चे, तमाम लोग देख रहे हैं, तो वो आज का शो ज़रूर देखें, क्योंकि आज के शो पर हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद होंगी जो एक कैंपेन स्टार्ट हुई भी है रुबेला एंड मीज़ल्स के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से। चाहते हैं कि हम सारे लोग, एटलीस्ट पूरे पाकिस्तान में, ये रुबेला और मीजल्स की जो कैंपेन स्टार्ट हुई हुई है, इससे हम सारे लोग दूर रह सकें। कैसे, क्या मुमकिन हो सकता है, तमाम प्रिकॉशंस के आगे अगर हो जाए तो क्या कुछ कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल, तो इन सब पर हम बात करने वाले हैं आज के शो पर, तो वो करेंगे, तो इसलिए आज का शो मिस ना कीजिएगा। और आज का शो तो बिल्कुल ही ना मिस करें, क्योंकि आज के शो पर फाइनली वो जो इंतजार था, ओ माई गॉड, इतना इंतजार, इतना तो पता नहीं कितना, किसको याद किया होगा आप लोगों ने। बहरहाल उन तमाम इंतजार में मैं भी एक हूं जिन्होंने बहुत इंतजार किया, और इंतजार की अब वो घड़ियां खत्म हो गई हैं। 3 हफ्ते का शदीद इंतजार के बाद अब हमारे साथ, हमारी वापस से शो को कंटिन्यू करने के लिए आ गई हैं, जिनका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। वेलकम करते हैं जी, आज हमारे साथ हैं समीना आपा। इंतजार की हद करा दी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा तो देख कर रहा था वो गाना गाऊं, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरी आपा की कैसी है बोले, बस अब शुरू हो जाए आपा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप लोग सोचें कि आप लोग मेरा यहाँ इंतजार कर रहे थे, हाँ। और मैं वहाँ कितनी बेचैन थी और कितना अच्छा मिस कर रही थी हर, हाँ। चीज़ को, लिटरली शाम के 5 बजते थे और मेरा दिल जो है ना अजीब सा होना शुरू हो जाता है। बहरहाल आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, पहले तो मैं सलाम दुआ सबसे करती हूं भाई, और उसके बाद फिर हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग, यकीन अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। आप तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम लोगों ने मुझे बहुत मिस किया, और यकीन करें कि मैंने तो इतना मिस किया अबील की बातों को, अबील को 5 बजे मुझे ऐसा लगता था जैसे अबील जो है ना आगे कि अस्सलाम वालेकुम आपा। बहरहाल ये कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। देखिए ज़िंदगी है, इसमें कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें हो जाती, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही एक वाक़ा पेश आ गया था कि मैं गिर गई और फिर मेरे थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया हाथ में। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी है तमाम चीज़ों में, लेकिन ये है कि मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को जल्द ज्वाइन कर लूं, और मेरी इस वक्त मेरी पूरी टीम ने, मेरी मैनेजमेंट ने बहुत मेरा साथ दिया। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप तमाम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और इसके अलावा समरीन का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने यहाँ आके आप लोगों को कुछ बोर होने से बचा लिया ना, कि जनाब आके अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर की। थैंक यू सो मच समरीन, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने यहाँ पर हमारा साथ दिया जनाब। हाँ, आज तो हम एक्चुअली आप लोगों को इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि बहुत सारे सवाल मुझे मेरे इंस्टा पे पूछते थे, जहाँ हाँ। मैं गुजर जाऊँ कहीं चली जाऊँ तो मेरे लिए मुश्किल, भाई आपा कहाँ है, आपा कहाँ है। मैंने कहा इसलिए मैं नहीं बताना चाह रही थी, और अगर हम बताते तो शायद बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते, बहुत सारी ऐसी कॉल्स आ जाती, ओ माय गॉड अब कैसी है, क्या हुआ क्या नहीं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल ठीक हैं, आ गई हैं, बस अब इंशाल्लाह थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वो तो चलता रहता है, कोई समझ ले आप लोग साथ हैं तो तमाम चीज़ें हमारी अच्छी हो जाएंगी। और तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर हम मसाला टीवी की जो 15th एनिवर्सरी थी, आप लोगों को बहुत मुबारक हो। वैसे तो मैं आई थी एनिवर्सरी वाले दिन और सबसे मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन बहरहाल एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों को मुबारक हो। और आप लोग ज़्यादा मुस्तहक इस मुबारकबाद के, इसलिए कि देखें आप लोगों का साथ था तो ये सफ़र हमने कितने अच्छे से गुजार दिया। इसी तरह हमारे साथ
साथ रहिएगा। तो आ जाते हैं काउंटर पे। ओके, तो जानते हैं कि फिर बना क्या रही हैं आज। बिल्कुल जनाब, आज हम बनाएंगे, काउंटर भी तरस गया था। आज हम तीन चीजें बनाएंगे बिल यहाँ पे, और वो तीन चीजें कौन सी हैं वो हम आपको बता देते हैं। आज हम बनाएंगे, अच्छा, वेजिटेबल्स जब भी घर में बनती हैं तो कुछ बच्चों को थोड़ा सा मसला हो जाता है कि जी ओह भाई वेजिटेबल्स बन रही थे। आज आप देखिएगा कि आज की जो वेजिटेबल्स बन रही हैं चिकन के साथ कैसे बनेंगी, बहुत ही शानदार सी। और हमारी रेसिपी का नाम है मलाई चिकन वेजिटेबल करी। जब भी आप किसी को बताएंगे मलाई वेजिटेबल चिकन करी बन रही है तो सब मेरा ख्याल खुश हो जाएंगे, है ना? बिल्कुल, और जी के हाँ। और एक बनाएंगे चिकन टिक्का फ्राइड राइस। फ्राइड राइस आप हमारे जहन में यही आता है ना कि जैसे मैक्सिकन होंगे या फिर चाइनीज होंगे, लेकिन ये कि चिकन टिक्का फ्राइड राइस कैसे बने, देसी और कुछ चाइनीज मिक्स है, कुछ रेसिपी बहुत अच्छी रेसिपी है। अच्छा, इसके अलावा आज हम एक बनाएंगे बहुत ही जबरदस्त सा एक हलवा, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई तो मैं चाह रही थी कि भाई कुछ हलवे जहाँ जो है ना स्टार्ट कर दिया देना चाहिए ताकि आप लोग बनाएं आसानी के साथ और फिर इंजॉय करें अपनी सर्दियों को। अच्छा जी, यहाँ पर जो हम पहली रेसिपी बना रहे हैं उसमें हमें चिकन इस्तेमाल करनी है। ये मेरे पास चिकन यहाँ पे मौजूद है। अभी आपको मुझे स्पून देने पड़ेंगे। जी, मैं आपकी आज भरपूर हेल्प कर रही हूँ। नहीं नहीं, आप तो मेरी हमेशा बहुत हेल्प करती हैं। आप बताइए आपको क्या क्या चाहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर चिकन है। अच्छा, चिकन जो है वो हमने जैसे हम मलाई चिकन बनाते हैं उसी हिसाब से इसके हमने कट कर लिया है, तो ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, सबसे पहले तो हम नमक डालेंगे। ये मेरे पास जो चिकन है ये 400 ग्राम है, नमक जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, क्योंकि और भी जब हम मसाला बनाएंगे ना तो उसमें भी हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। दही डालेंगे, ये मेरे पास दही है तकरीबन 2 टेबल स्पून, ये गया दही इसके अंदर, ठीक है जी, ये चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का ये पेस्ट, ये चला गया, ठीक है, और हरी मिर्च का पेस्ट भी अभी डाल देते हैं, ये गया हरी मिर्च का पेस्ट, ठीक है, चलो जी ये चला गया इसके अंदर। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी देर के लिए इसको हम रख देंगे, ठीक है। ये देखिए जी, अगर 1-2 घंटे के लिए आप रख देंगे तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच अबील। नहीं नहीं, आपा प्लीज रिलैक्स होके करें। नहीं, हाँ। बिल्कुल, ये घर जैसी बात है बस। हाँ ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास वेजिटेबल कौन कौन सी है ये भी हम आपको बता देते हैं कि हमारे पास वेजिटेबल जो नॉर्मली सर्दियों में बहुत पसंद की जाती है, गोभी, यहाँ पर हमने फूल गोभी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आलू हैं, मटर हैं, और हैं यहाँ पर गाजरें, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों को बनाएंगे और हम बनाएंगे इसको हांडी में। हांडी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल या बनास्पति? बनास्पति, फौजी सुप्रीम बनास्पति हम इसके अंदर डालेंगे। बहुत फ्लोरा और बहुत हैवी है। हाँ, तो एक काम करते हैं, छोटे से ले लीजिए, डाल लेते जी। तो यहाँ से लेते हैं, ये बड़ी अच्छी रेसिपी, आप इसको बनाइएगा। आप इसको शीरमाल के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, इवन प्लेन राइस के साथ सर्व करें। तो ये है फौजी सुप्रीम कुकिंग, फौजी बनास्पति, बीटीएफ बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार, एंड ऑफ कोर्स हमारी हर रेसिपी को जायकेदार मज़ेदार बनाता है, सेहत से भरपूर होती हैं तमाम रेसिपीज। सिर्फ और सिर्फ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल या फिर बनास्पति में आप रेडी करें, क्योंकि USP ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, गारंटीड। हिफ्जाने से लोगों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है। हल्का सा और हो जाए। अच्छा, ये मेरे पास मौजूद है अदरक और लहसुन, क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन तकरीबन 1 टेबलस्पून दोनों में ला लीजिएगा। यानी एक छोटा सा टुकड़ा आप अदरक का लीजिएगा और 3 से 4 जवे आप लहसुन, क्योंकि सब्ज़ी में मज़ा इसी से बहुत आता है। तो ये मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ, ये चलेगा, ठीक है जी। और इसको हम मिक्स करते हैं, और साथ ही डालेंगे हम इसमें साबत लाल मिर्च। ये मेरे पास साबत लाल मिर्च, 5-6 साबत लाल मिर्चें हमने ले ली, और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। क्या बात है। अच्छा, ये मिट्टी की हांडी है ना, तो थोड़ा सा टाइम लेती है ना, गरम देर से होती है, गरम देर से होती है, ठंडी भी देर से होती है। हाँ, फिर खाने बना लें और उसके बाद वो पकते रहते पकते रहते हैं। और हमेशा ध्यान रखें इस बात का, जब भी आप मिट्टी की हांडी में कोई चीज़ बनाते हैं तो आप हमेशा उसको, अगर आपने बंद करना है 5 मिनट बाद, तो 10 मिनट पहले ही बंद कर दें, क्योंकि काफी देर तक ये कुक होते रहते। यानी अगर हमें दम देना था तो दम ना दें, दम ना दें, क्योंकि दम होता रहेगा, दम होता रहेगा, पकती रहेगी ना, और वैसे ही गर्म भी देर से होती है। इसके अलावा अब मैं आपको बता देती हूँ और मेरे पास क्या कुछ है। टमाटर 2 अदद बड़े साइज़ के आप टमाटर ले लीजिएगा। आप चाहें तो टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर बॉईल किए हुए भी ले सकते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इससे भी हम नॉर्मल अपने नमक मिर्च मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। ये बड़ी अच्छी रेसिपी, इसको आपने बनाना ज़रूर है। तो एक काम करते हैं कि इसमें हम मसाला डाल देते हैं। अब मसाले में हम डालेंगे नमक। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि मैंने जितनी भी चीज़ें, यानी आलू हैं, मटर हैं, गाजर हैं, सब चीज़ों में मैंने थोड़ा थोड़ा नमक ऐड किया है, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं,
और ये हम यहाँ रख देते हैं। सब में मैंने थोड़ा थोड़ा नमक पहले ऐड किया था। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जी मैंने बॉईल करके इसका पानी ज़ाया कर दिया। पानी मैंने इसका बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया था, यानी मैंने थोड़े से पानी के अंदर तमाम चीज़ों को जैसे जस्ट लाइक ए स्टीम इतना कर दिया कि जब ये इसके अंदर जाएँ तो मसाले के साथ इसका अच्छा सा एक टेक्स्चर आ जाए। बहुत मैंने इसको गलाया नहीं है, लेकिन फिर भी ये तकरीबन 80%। अब आप फिर पूछेंगे कि 80% 90% क्या होता है? यहाँ तो परसेंटेजेस से चलता है। अच्छा, अब हमें ब्रेक भी लेना। अब ये परसेंटेजेस ये बाद में बताएंगे या अभी बता दें? नहीं नहीं, हम बाद में बता देते। हाँ। एक काम करते हैं, ये हो गया, ये देखे जी। अच्छा, टमाटर में खाली आपने नमक डाला? नमक डाला और कुछ भी मैंने नहीं डाला। हल्का सा हो जाए तो बस मैं ये डाल देती हूँ। बाकी मसाले क्या क्या डालेंगे हम आपको ब्रेक के बाद बता देते। डन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी सी मलाई चिकन वेजिटेबल हांडी बन रही है। फिर मजीद इसमें डिटेल क्या है वो वापस आके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फिर दो और रेसिपीज हैं और फिर थोड़ी ही देर में डॉक्टर होंगे और उनसे भी मुलाकात करेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें हो रही हैं आज के शो पे, तो आपने मिस आउट नहीं करना है। हम सब चाहते हैं हम सब जानें और इन्फॉर्म्ड रहें रुबेला और मीजल्स के हवाले से, बाकी और तमाम चीज़ों के बारे में भी। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, सही अवेयरनेस ज़रूरी है। जानेंगे आज के शो पर डॉक्टर से, लेकिन अभी के लिए ब्रेक है और फिर आपको ज्वाइन कर दें थोड़ी सी रेसिपीज और फिर बहुत सारी और बातें। वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी हांडी बन रही है जो कि चिकन एंड वेजिटेबल हांडी है। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे टमाटर में आपने नमक जस्ट ऐड किया था। सिर्फ और कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया था और वो टमाटर गए हांडी में। हांडी में ठीक है ना, ये गल चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें ये पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून, अप टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं। और उसके अलावा हम ये लेंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हल्दी हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ठीक है जी, ये चलेगी इसमें हल्दी। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ये हो गया। अब ये जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी हम ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है जी, ये डाल देते हैं इसके अंदर और ये फटाफट हो जाएगी। बोनलेस चिकन है, आप अपने घर में जब बना के रखेंगे ना तो आप यकीन करें कि बहुत ही जल्दी ये गल भी जाएगी। बोनलेस में कुछ टाइम नहीं लगता। ये चलें जी, थैंक यू अबील। आप अपने बोलिएगा ये प्लीज़। आपको अबील ना बोलूँ? ना, मुझे अबील ना कहिएगा। ये तो मेरी, मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ काम ये करके, हेल्प करके। ये मेरी मसाला टीवी की बेटी है मेरी। हाँ, थैंक यू। चलो जी, ये मिक्स हो रहा है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा हल्का सा भून लेते हैं। ये भून रहा है और यहाँ पर मेरे पास ये तमाम चीज़ें रखी। अब इट्स अप टू यू कि आप कितनी कितनी चीज़ें लेना चाहते हैं। मैंने ये जैसे कि आलू 2 अदद ले लिए थे मीडियम साइज़ के, गाजर 1 बड़े साइज़ की ले ली थी। ये तकरीबन तमाम चीज़ें मिला के जो है ना ऐसी हो गई जैसे कि 2.5 कप के करीब, 2.5 कप। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है। अब मैं इसमें शामिल करूँ क्रीम है, बादाम का बादाम या काजू का पाउडर। ये ज़ाहिर मलाई है तो इसलिए क्यों इतनी हल्की चल रही है ना, बहुत ज़्यादा हल्की है। अच्छा। लेकिन बहरहाल खैर, इसी में ये जब गल जाएगी तो हम बाकी का काम करेंगे। एक काम करते हैं, इसको मैं कवर कर देती हूँ तो ये चिकन इसी में गल जाएगी। हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। सेकंड रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन टिक्का फ्राइड राइस। इसके लिए ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर चिकन। अब मैंने पता क्या किया, ये मैंने थोड़ा सा एक काम ये किया है कि ये तरह सी जो बड़ी बोटी थी ये मैंने रख ली है, ये मैं स्क्वेयर्स में लगाऊंगी और ये थोड़ी सी छोटी है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है ना, ये जैसे फ्राइड राइस हम बनाते हैं लेकिन ये ज़रा सा बड़ा साइज़ है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी बाकी की चीज़ें यानी मैरिनेशन की। टिक्का, टिक्का मसाला किसी भी अच्छे ब्रांड का आप टिक्का मसाला ले सकते हैं। ये तकरीबन इसमें 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा हम इसमें भी डाल देते हैं ताकि इक्वल हो जाइए। चला जी, आप चाहें तो मिला लीजिएगा लेकिन मैंने थोड़ी सी बड़ी छोटी रखी है तो इसीलिए मुझे ज़रा सा ये करना पड़ रहा है। ये गया इसके अंदर, हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये गया तकरीबन इसमें 1.5 टीस्पून और ये इसमें भी चला गया। चला जी, ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया आपका। और डालेंगे इसमें दही। ठीक है ना, अच्छा अब दही हम डालेंगे, किस लिए डाल रहे हैं इसमें, ताकि अच्छी सी ये मैरिनेट हो जाए। इसमें हम दही डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये गया 2 टेबल स्पून दही, थोड़ा सा इसमें भी डाल देते हैं ताकि ये भी अच्छा सा, जब हम इसको स्क्यूअर्स में सिर्फ सर्विंग के लिए मैं लगा रही हूँ। ठीक है, इसको मिक्स कर लेते हैं, बल्कि मसाला कम लग रहा है तो ये डाल देते हैं, थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं। चलो मैं दोनों की मिक्सिंग करती हूँ, आप आगे बता दें। चलें, ठीक है। नहीं नहीं, चलें चलें, कुछ बताना अगर। हाँ, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बस मैं चाह रही थी कि ये दोनों चीज़ अच्छे से मिक्स होकर रख जाए। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास थोड़े से मटर हैं, बॉईल किए हुए मटर हैं 3/4 कप। इसके अलावा स्प्रिंग अनियन है और राइस जो हमारे पास है वो बॉईल किए हुए हैं। ठीक है, उसको किस तरह से अच्छा सा बनाएंगे ये आप देखिएगा, बहुत ही शानदार सा होगा। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए जी।
ओके अच्छा मैरिनेट भी करेंगे आप? जी जी मैरिनेट करेंगे ताकि जरा सा अच्छा सा इसका रिजल्ट आ जाए। ठीक है जी ये हो गया। अच्छा घर पर हो तो कितनी देर करें आप? क्योंकि अभी तो हम तो नहीं कर रहे। कम से कम आधा घंटा तो आप ज़रूर कीजिएगा, ज़रा बेहतर रिजल्ट आएगा। ठीक है जी अभी इसकी बारी बाद में आएगी, लेकिन हम एक काम करते हैं, ये देखें ये आपने चेक किया कितनी कोई अच्छी सी चिकन जो है वो हमारी हो चुकी है। और अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी, जैसे कि ये मटर एक कप, हाँ बॉईल किए हुए, लेकिन वही बात 80% हाँ ये परसेंटेज क्या है आपा? मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं परसेंटेज की बात करती हूँ इसमें कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था है ना, जबकि मेरा मैथ्स बहुत बड़ा था। नहीं मुझे जिस हिसाब से आप परसेंटेजेस बता रही हैं उस हिसाब से तो बहुत बड़ा था। मैंने जब ये नहीं कि मैथ्स का लास्ट पेपर दिया था तो मैंने कहा था अल्लाह का शुक्र है कि मैथ्स मेरी जान छुटी, मेरी ज़िंदगी से निकल गया ना। तो बहरहाल आपके कुछ होते हैं कि आपके जब आप पढ़ रहे होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, मैथ्स मुझे बहुत बुरा लगा होता था। चले जी ये हो गया और ये गई इसमें गाजर और ये गए, अच्छा ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। ठीक है जी ये बहुत बड़े बड़े फूल हैं, ये भी बॉयल है, हाँ हल्के हल्के से ना, ये इसके अंदर डाल देते हैं, ये टूट जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। हाँ ये देखिए ये हो गया, अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छा मिक्स करके मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी थोड़ी सी देर के लिए। ये देखिए अब आप देखिए कलर कितना अच्छा सा आता जा रहा है, लेकिन अभी इसकी मलाई वाली शक्ल नहीं आई है, वो आएगी इस ब्रेक के बाद ना, अभी नहीं। अच्छा क्योंकि इसमें क्रीम जाएगी? जी 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 क्रीम वगैरह तमाम चीज़ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा अभी इसमें पानी शामिल कीजिएगा ताकि थोड़ा और अच्छा गल जाए। बताइएगा कितने परसेंट? सिर्फ 5% बस बस बस। ओह माय गॉड चले जी हो गया। चले बस कवर कर दे, इसको कवर कर देते। ये हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट तैयार है, सिर्फ इसमें जाएगा जायफल जावेत्री का पाउडर। जायफल जावेत्री का पाउडर हम क्यों डाल रहे हैं इसके अंदर? कि इसके अंदर हमने मटर का इस्तेमाल किया, मटर की हल्की सी हीक होती है तो जायफल जावेत्री के पाउडर से वो बेहतरीन रहती है। ठीक है ये डालेंगे, ये मेरे पास यहाँ पर मौजूद है बादाम या काजू किसी का भी पाउडर आप ले सकते हैं, वो डालेंगे, इससे एक अच्छी थिकनेस आएगी। डालेंगे कसूरी मेथी, बल्कि कसूरी मेथी में अभी शामिल करेंगे। अच्छा आप शामिल करें, हमें ब्रेक पे जाना है, अगर आप ब्रेक में कुछ करेंगे तो वो भी बता दें। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं, मैं काम करती हूँ। आपको कुछ करना? नहीं मैं अभी आपके सामने डाल दे, ये गया इसके अंदर जायफल जावेत्री का पाउडर और ये गई इसके अंदर बादाम का पाउडर, ये डाल दिया हमने, इसको मैं मिक्स करूँगी, उसको दम पे छोड़ देती हूँ। ये चिकन टिक्का जो है हम इसको स्क्यूअर्स में लगा लेते हैं, बाकी सारा काम आपके सामने करेंगे। बस स्क्यूअर्स में लगा कर फिर मजीद जो डिटेल होगी वो वापस आके शेयर कर रहे होंगे हम। चलो ऑल राइट डन, थोड़ी सी मिक्सिंग और ये थोड़ी देर दम पर, दम पर और ये फिर तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा चलो जी, दम के बाद इसमें क्रीम जाना है, तब जाके उसका मलाई का लुक आएगा, तभी तो हम ये क्रीमी मलाई और बहुत ही जबरदस्त ये चिकन एंड वेजिटेबल हांडी होगी तैयार। चिकन टिक्का फ्राइड राइस ये एक डिफरेंट सी रेसिपी है, फिर है अखरोट का हलवा और फिर होंगी बहुत सारी और बातें जो कि हम कह रहे हैं आज आपको बहुत सारी हम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, वो तमाम चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। फिलहाल है ब्रेक का टाइम और फिर आपको थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत मज़े की खुशबुएं आ रही हैं क्योंकि एक तरफ जो चिकन आपा ने मैरिनेट की थी उसे हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में थोड़ा सा 1 टेबल स्पून फ्राई कर डाला था। हाँ उसको फ्राई कर लें, ठीक है, ग्रिल करना चाहें ग्रिल कर लें, अवन में बेक करना चाहते हैं अवन में कर लीजिए। ठीक है ये यहाँ पर हो रहे हैं और इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर हम बनाएंगे चिकन टिक्का फ्राइड राइस, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल सबसे पहले हमें चाहिए होगा, भरपूर विटामिन डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, यूएचटी ट्रीटेड डबल रिफाइंड, हिफ्जान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति। जबरदस्त, 4 टेबल स्पून, 4% 4 टेबल स्पून। अच्छा जी अब हम इसमें शामिल करेंगे ये अदरक और थोड़ा सा लहसुन, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं तकरीबन, ये भी दोनों मिला के 1 टेबल स्पून। ये हो गया, अच्छा चिकन तो यहाँ पे हो ही जाएगी तो हम एज इट इसके अंदर शामिल कर देंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा इसके अलावा हमारे पास ये चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं, चूँकि चिकन टिक्का फ्राइड राइस है तो थोड़ा सा स्पाइसी भी होना चाहिए, ये गई इसके अंदर हरी मिर्चें जो मैं अभी इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। ये चली जाएंगी 1 कप के करीब, यानी तकरीबन 1 कप से 3/4 कप आपने मटर लेने, मटर को भी हल्का सा बॉईल कर लीजिएगा, बॉईल करके ये मेरे पास मौजूद है। और क्या डालेंगे एंड में हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पर जो मेरे पास थोड़ी सी रखी हुई है स्प्रिंग अनियन वो डालेंगे, ये है प्याज, थोड़ी सी प्याज डालेंगे इसमें,
ठीक है, आप फ्राई कर रहे हैं? मैं फ्राई करूंगी। अच्छा होगी तो वो बताएंगी आप। बिल्कुल, मैं काम करती हूँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल बात कीजिए। मैं एक काम करती हूँ कि ये हो रहा है, जैसे ही हो जाता है तो एक कप चिकन स्टॉक इसके अंदर मैं डालूंगी, थोड़ा सा नमक डालूंगी और ये राइस जो मेरे पास रखे ये डाल दूंगी और साथ ही ये मटर रखे ये भी डाल दूंगी। एंड में हम बिल्कुल जब लास्ट में हम इसको मिक्स करेंगे तब ये जो टिक्का स्टाइल हम जो बनाए हमने चिकन बनाई है ये इसमें शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, सर्व कर देंगे। दैट्स इट, डन। तो मैं आपके पास आती रहूँगी आपसे ताकि हम बिल्कुल भी जाने। बस अभी थोड़ी सी चीज़ बता दूँ कि ये हमारी यहाँ पे चिकन हो गई है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्रीम इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ। ये मैं क्रीम शामिल करूँगी इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून, कुछ हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करें। बस अब आप बात कीजिए, बस सिर्फ क्रीम। बिल्कुल, ओके, डन हो गया। फिर थोड़ी देर दम पर और फिर ये तैयार हो जाएगा। अच्छा, हमने आपसे कहा कि आज के शो पर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बात करने वाले हैं, रेसिपीज़ ऑफ कोर्स ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, पर एक कैंपेन जो स्टार्ट हुई हुई मीजल्स रुबेला के हवाले से, तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हैं, अब उन्हें वेलकम करते हैं। पीट्स की वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर दुर्रे शहवार, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। थैंक यू सो मच, आप आई हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपसे लेने वाले हैं, जो कन्फ्यूजन हमारी आवाम को होगी तो वो क्लियर होगी। बिल्कुल। अच्छा, जो आप लोगों ने कैंपेन स्टार्ट की हुए, कौन कौन है दारे जिन्होंने मिलकर ये कैंपेन स्टार्ट की है और ये आप इन्फॉर्मेशन? सबसे पहले तो ये जो कैंपेन शुरू हो रही है आज 15 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक ये कैंपेन चलेगी, पूरे सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर हो रही है और इसमें हुकूमत सिंध, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन और यूनिसेफ का इदारा जो है ये मिलकर ये काम कर रहा है और इसमें 9 महीने से लेकर 15 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उन सबको जो है वो MR कैंपेन यानी मीजल्स और रुबेला के जो है ये वैक्सीन बूस्ट लगेगी और इसमें तमाम बच्चे जो पैदाइश से लेकर 5 साल तक हैं उनको पोलियो के ड्रॉप्स भी दिए जाएंगे और जो 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चे हैं उन सबको ये मीजल्स और रुबेला की वैक्सीन लगाई जाएगी। और ये वैक्सीन जो है वो मेनली डोर टू डोर वैक्सीन नहीं है जैसे हमारे पोलियो की कैंपेन होती है, ये स्पेसिफिक स्कूल्स में यानी तमाम स्कूल जितने हैं उनमें वहाँ पर ये लगाई जाएगी और उसके साथ साथ जो स्पेसिफिक सेंटर्स यानी हॉस्पिटल्स में और वो स्पेसिफिक स्कूल्स एंड सेंटर क्या स्पेसिफिक क्यों है? सारे ही तकरीबन कवर्ड कर रहे हैं उन्होंने, आपको पहले से पेरेंट्स को जो है वो जैसे कहते हैं प्री इन्फॉर्म कॉन्सेंट दे दिया गया था कि 15 नवंबर से 27 नवंबर तक ही लगाई जाएगी तमाम स्कूल्स में। हॉस्पिटल्स में ये है कि हर हॉस्पिटल्स में जो है वो स्पेसिफिक जो है वो सेंटर्स बना दिए गए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स के साथ, हमारी पूरी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के जितने डॉक्टर्स हैं उस वक्त सरगर्म अमल हैं, सारे लोग जो हैं वो लोगों को अवेयरनेस दे रहे। एक खौफ जो बहुत ज़्यादा हमारी हमेशा जब भी कोई कैंपेन आती है तो खौफ ज़्यादा हो जाता है, सबसे ज़्यादा ये होता है कि क्यों ये हो रही है और क्यों आ गई है, क्या हो गया है, इतना बोला जा रहा है, बताया जा रहा है। बिल्कुल, अब मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक मिसाल दूँ, जैसे जब कोविड वायरस आया था, अभी हम स्टिल वी आर फाइटिंग विद दैट, तो जब वो आया था तो जब वैक्सीन नहीं थी तो सब परेशान थे कि शायद वैक्सीन आ जाए तो हम कवर कर लेंगे और हम सब ने ये देखा एक पूरी आलमी पैमाने पर कि जब वैक्सीन आई और वैक्सीन ने अपना जो कवरेज किया यानी जब 60% हर मुल्क में वैक्सीनेशन हुई, हर इम्यूनिटी के तहत जो है वो एकदम से जो है वो वायरस का फॉल डाउन आया। इसी तरह से जितनी भी जो EPI की वैक्सीन होती है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन की, ये वैक्सीन उन बीमारियों से जिनके खिलाफ हम वैक्सीन लगा के बच सकते हैं ये उसको कवर कर रहे थे। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ BCG जिसको हम TB कहते हैं उसके खिलाफ BCG की वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस बी के खिलाफ हमारे पास वैक्सीनेशन मौजूद है, खसरा के खिलाफ मीजल्स जिसको हम कहते हैं, तो हम चाहते हैं कि इन तमाम की वैक्सीनेशन हो। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि मीजल्स एंड रुबेला के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए, ये तमाम चीज़ों के ऊपर नहीं। अच्छा, मीजल्स रुबेला क्या चीज़ है और क्यों हो जाती हैं और इनकी वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है और क्या आया वाकई बचाओ इनसे हो जाता है, लगाने के बाद वाकई नहीं होती, इन तमाम चीज़ों की? देखिए, सबसे पहले तो मीजल्स और रुबेला जो है एक वायरल वैक्सीन है हमारी जो वायरल से फैलती हैं और इसकी वैक्सीन जो है वो यूजुअली जो रिकमेंडेड एज है वो 9 मंथ्स पे लग जाती है मीजल्स की, उसका सेकंड डोज लगता है MMR का 15 मंथ्स पर, फिर बूस्टर लगता है 5 ईयर्स पे। तो एक्चुअली होता कि हमारे मुल्क में जो गवर्नमेंट की वैक्सीन है उसमें 9 मंथ तक लगती है, उसके बाद 15 मंथ से डोज 2 लगने के बाद 5 ईयर वाली डोज यूजुअली मिस हो जाती है। कोई भी वैक्सीन जब हम लगाते हैं तो वो इम्यूनिटी बनाती है, कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है, वो कुव्वत मुदाफ़ियत हमें वायरस से लड़ने में मददगार साबित होती है। ये वैक्सीन जब आप लगवा लेंगे तो 100% तो नहीं लेकिन 60-80% कवरेज आपको वायरस से हो जाएगा, बूस्टर के बाद भी, फर्स्ट डोज के बाद भी, जितने बूस्टर लगेंगे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, यानी फर्स्ट डोज में 60 या 70%, सेकेंड डोज में एंड आफ्टर थर्ड डोज आपको 80-90% कवरेज मिलेगा। और इन बच्चों को जिनको ये वैक्सीन लग जाती है, अगर उनको खुदा ना खास्ता जब किसी और बच्चे से जिसको ये वायरस फैला हुआ है अगर वो उससे एक्सपोज हो जाएँ, उनके साथ रहें,
तो जो बीमारी की शिद्दत होगी वो इतनी शदीद नहीं होगी। अच्छा, और एक्सपोज कैसे होता है? ये कंटीजियस है? ये कंटीजियस है, वायरल वैक्सीन है, यानी अगर एक बच्चे को हो गई है तो उसमें जो है वो दूसरे बच्चे को उसकी छींकने से, उसकी रतूबत से, उसकी खांसी से उसको लग सकती है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जब खसरा की जो बीमारी है उसमें नज़ला, ज़ुकाम, आँखों का लाल होना, जिस्म के ऊपर एक मखसूस किस्म के लाल रंग के ददोड़े आते हैं उनका आना होता है, और उसके बाद खसरा का वायरस जो बाज़ों का छाती को, सुनने की समात को, यानी ओटाइटिस मीडिया है, नमूनिया है, इसी तरह से बीमार में दिमाग में बहुत सारी बीमारियाँ करता है, तो ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी जब वायरस बॉडी में एंटर होगा तो उस वक्त से लेके 14 से 21 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। तो जब बच्चे को दाने निकलना शुरू होते हैं तो उससे पहले जो बाकी बच्चे हैं उससे ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका होता है। तो हम आइसोलेशन जब शुरू करते हैं वो रैश अपीयर होने के बाद यूजुअली करते हैं, तो लेकिन जो बच्चा है उससे ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका होता है। तो अब जो बच्चे उससे एक्सपोज, यानी वही वाली बात, अगर वैक्सीनेटेड है और एक्सपोज हुआ है तो उसको इतनी शदीद बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर वो नॉन वैक्सीनेटेड है तो उसको जो शिद्दत है बीमारी की वो बहुत ज़्यादा होगी, यानी उसमें नमूनिया होने के चांसेस जो हैं या इसहाल होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा। ये मीजल्स के साथ ये भी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर, ब्रेक का टाइम है, फिर मैं आगे वापस आके कंटिन्यू करती हूँ। हमें मीजल्स तो समझ आता है और हम थोड़ा मालूम भी है कि ये खसरा होती है, लेकिन रुबैला क्या चीज़ है और इसमें क्या कुछ हो जाता है और इसे कैसे मजीद बचाओ और बाकी क्या डिटेल है जो डॉक्टर हमारे साथ शेयर करेंगे वो पूछेंगे। आपा क्या कर रही हैं यहाँ पर? यहाँ पर जनाब ये तकरीबन तैयार हो गए। अच्छा, यहाँ पर आपने देख ही लिया था कि मैंने यहाँ पे प्याज ऑयल में, हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में हमने शामिल किए थे, अदरक लहसुन शामिल किया था, क्रश किया हुआ हरी मिर्चें शामिल की थी, प्याज शामिल की थी, हल्का सा जब फ्राई हो गया तो उसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 1 कप मैंने चिकन स्टॉक डाला, ठीक है, नमक मैंने नहीं डाला था। उसके बाद मैंने ये राइस जो है इसके अंदर शामिल कर दिए, ठीक है। अब ये हमारे जो है चिकन जो है ये हमारी तैयार हो चुकी है। अब थोड़ा सा इसको मैं कलर और दूँगी और उसके बाद ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने मटर भी शामिल नहीं किए, ये मेरे पास मटर रखे, ये आपके आपका इंतजार कर रही थी, बॉईल किए हुए मटर ये डालेंगे, स्प्रिंग अनियन हम लास्ट में शामिल करेंगे, ये चिकन मैं अब इसके अंदर डालने लगी हूँ, ठीक है, फ्राई करके हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है। अभी आप डालेंगे? जी सारी डाल दूँ? बस सिर्फ ये पीस हम छोड़ देते। चलो मैं इधर से डालती हूँ, बिल्कुल डाल सकें आप लोग। वेरी गुड, बहुत ही शानदार सी राइस है। अच्छा, इसके साथ आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ये देखा आपने, डन। आप मिक्सिंग करें, हम ब्रेक ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं इसको दम पे रखती हूँ और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जबरदस्त सा हलवा तैयार करेंगे। ओके डन, तो ये तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर हो रही हैं। मजीद आगे क्या होगा, अखरोट का हलवा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास है, वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर दुरे शहवार, जो कि हमें रुबैला मीजल्स के बारे में बहुत कुछ बता रही है, बाकी डिटेल शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। फिलहाल ब्रेक का टाइम, फिर ज्वाइन करते हैं। पर यहाँ खुशबूएं ज्यादा आ रही हैं, इधर चलते हैं और इधर पूछते हैं आप क्या कर रही हैं। अच्छा बिल, यहाँ पर अखरोट का हलवा बन रहा है। यहाँ पर मैंने काम ये किया था कि मैंने कहा ब्रेक में काम कर ली थी, आधा कप मैंने डाला फौजी बनास्पति, 2 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने शामिल की थी सूजी, हल्का सा इसको हमने भून लिया। अब ये छोटी इलायची का पाउडर, ये चला गया, चीनी तकरीबन 1 कप ये चली गई। बहुत ही आसान सा हलवा है, आप सोचेंगे अखरोट का हलवा कोई बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। ये गया दूध, दूध हम इसमें शामिल करें 1 कप दूध, ठीक है, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। ओके, अच्छा 1 कप ही हमारे पास क्रश किए हुए अखरोट हैं, अभी इसको मैं थोड़ी देर कुक करूँगी ताकि ये अच्छी सी सूजी गल जाए। 1 कप मेरे पास ये क्रश किए हुए अखरोट हैं और तकरीबन 3/4 कप मेरे पास यहाँ पे मौजूद है खोया, ये दोनों चीज़ें साथ डालूंगी, जब ये थोड़ी सी सूजी हो जाएगी मिक्स करेंगे, निकालेंगे और सर्व कर देंगे, और उससे डालेंगे बादाम पिस्ते और थोड़ा सा इसको गार्निश करेंगे, सर्व कर देंगे। ठीक है, जब तक आप यहाँ इसको थोड़ा सा भून रही हैं हम चलते हैं डॉक्टर दुरे शहवार की तरफ। अच्छा, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था ब्रेक में जाते जाते कि मीजल्स एंड रुबैला दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि मीजल्स तो हम पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं, ये होता है मीजल्स और खसरा और बहुत सारी चीज़ें, मीजल को जैसा रुबैला क्या चीज़ है और क्या ये भी कंटीजियस है? बिल्कुल, मीजल और रुबैला दोनों कंटीजियस है। मीजल को हम आम जबान में खसरा कहते हैं और जो रुबैला है उसको हम जर्मन मीजल्स कहते हैं, यानी खसरा की ही टाइप होती है, लेकिन खसरा के अंदर जो दाने अपीयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उसकी जो सीवियरिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जबकि रुबैला जो है अगर वो आम बच्चे को होगी तो उसकी जो शिद्दत है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर किसी बच्चे को या किसी को घर में रुबैला वायरस हुआ हुआ है और घर में कोई प्रेगनेंट वूमेन, हामला खातून मौजूद है, तो ये वायरस उसके लिए नहायत ख़तरनाक है। अच्छा, क्योंकि रुबैला वायरस जो है वो मदर की बॉडी से एंटर होता है और जो बच्चा माँ के पेट में होता है, फीटस होता है, उसको डैमेज करता है। तो एक्चुअली रुबैला का जो इम्पेक्ट आता है वो ये है कि वो प्रेगनेंट मदर के लिए भी टॉक्सिक होता है और जो फीटस है उसके लिए भी टॉक्सिक होता है। ये वायरस अगर प्रेगनेंट वूमेन को हो गया है तो उस बच्चे को जो माँ के पेट में है उसके अंदर
दिमागी अमराज, आँखों का नाबीनापन, दिल के अमराज और बहुत सारी पेचीदगियाँ करते हैं, जैसे कि आँखों में कैटरेक्ट होना। और ये बच्चे अगर पैदा होते भी हैं तो बहुत ज़्यादा अर्से तक सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये वायरस जो है वो एक्चुअली आम बच्चों में तो होगा तो वो इस तरह से जैसे मीजल्स की प्रेजेंटेशन है उसी तरह से करेगा, बच्चा नमूनिया वगैरह में शिकार होकर अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये वायरस प्रेग्नेंट वुमेन को हो गया तो वो उसके लिए और उसके जो नौजायदा बच्चे हैं उसके लिए बहुत खतरनाक है। इसका मतलब जो अभी फिलहाल हाल फिलहाल में जो एक्सपेक्ट करी खवातीन वो तो घर से कम ही कम निकले, कम ही कम नहीं, कम ही कम निकले। एक्चुअली देखिए इन दोनों बीमारियों का जो सबसे अहम है हर जगह वो है आप वैक्सीनेशन। अच्छा, वैक्सीनेशन तो 15 साल तक के लिए है, क्या आया हम बड़े भी लोग लगवाएं क्या इसको? नहीं, MR वैक्सीन एक्चुअली फीमेल्स में, फिर रूबेला वैक्सीन की अलग से एंटीबॉडीज लगती हैं, वो फिर प्रेगनेंसी में टाइटर करवाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी जो वैक्सीन है इस वक्त जो एक्चुअली वैक्सीन लगती है यानी जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, और ये जो रूबेला की वैक्सीन आपको अभी लगेगी ना बच्चियों को, ये उनको आफ्टर मैरिज जो प्रेगनेंसी होती है उस वक्त तक एंटीबॉडीज टाइटर बनाने में, यानी जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर जो पेचीदगियाँ हो सकती है जिसको हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल एनोमलीज, उससे बचाव में बड़ी मददगार होती है। अब देखिए ये वैक्सीन लगेगी अब और काम आएगी 20 साल के बाद तक, तो इसकी अहमियत इसीलिए हम कहते हैं इसकी अफादियत इतनी है कि जब वैक्सीन की कंपेन आई है तो आप कोशिश ये करें कि हर बच्चे को जो है वो वैक्सीन जरूर से लगवाएं। तो वो फिर ये है कि लाइफ लॉन्ग उसकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगी। अच्छा, अगेन ब्रेक आ गया है, बट मैं इतनी अच्छी बातें सुन रही, मेरा दिल नहीं कर रहा ब्रेक लेने का। एक और बात जाते जाते आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर से मैंने ब्रेक में पूछा, उन्होंने कहा कि वो तमाम बच्चे जिनको MR वैक्सीन लग चुकी है वो भी दोबारा लगवाएं, जो स्कूल्स एंड बाकी जगह जो कैंपेन हो रही है वो अगेन लगाएं, ये एक और बूस्टर है, बूस्टर लग गया तब भी लगवाएं। मतलब मेरी बेटी भी बूस्टर भी हो गया, वैक्सीन भी हो गई, लेकिन वो कह रही नहीं फिर भी लगवा रहे हैं। अच्छा ओके, अच्छा जल्दी से बताएंगे आप, अच्छा, फिर हम जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, इसको हाँ। हमने देखा आप सूजी थोड़ी सी गल गई थी तो मैंने इसमें आधा खोया डाला और उसके अलावा अखरोट जो क्रश किए हुए थे वो इसके अंदर डाल दिए। अब इसको मैं इतनी देर तक पकाती रहूंगी कि जरा सा थिक और हो जाए, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी अच्छा खासा ये थिक होगा। तो आप देखिए, ये देखें अभी तो ये इस तरह से हो रहा है, बेहतरीन सी इसमें से खुशबू आ रही है क्योंकि हमने इसमें छोटी इलायची भी इस्तेमाल की है। और ये बाकी का खोया मैं इसमें डालूंगी और इसको मिक्स करेंगे, जैसे ही ये हो जाएगा इसको निकालूंगी। और ये पिस्ते मेरे पास मौजूद है, इसके अलावा इन पर अखरोट है, इसे हम गार्निश करेंगे। यहाँ पर राइस के दिखा देती हूँ आपको, ये देखेंगे क्या जबरदस्त से माशाल्लाह से हो गए। इसके अंदर मैंने हरी प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल किया और बारीक कटी हुई इसमें अदरक, इसको हम गार्निशिंग में यूज करेंगे और निकालेंगे और सर्व कर देंगे। डन हो गया, ठीक है जी। मजीद आगे जो भी कुछ होगा वो हम डिटेल शेयर कर लेंगे अगर आपने कुछ इसमें किया तो। फिलहाल ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आपको जल्दी से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक, यहाँ रेसिपीज रेडी हैं, बस आप रेसिपीज देखते जाएं, इंजॉय करते जाएं, बहुत ही मजे की तैयार हो गई हैं आप, अभी अब आ गई हैं साथ बैठ गई हैं। डॉक्टर वैशा, टाइम शॉर्ट है लेकिन अब ये बताइए कि वैक्सीनेशन क्या आया अभी इम्पोर्टेंट है कितनी, और अगर ये मीजल्स रुबेला हो जाता है तो क्या आया इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है? देखिए वैक्सीन तो कंपलसरी है, हर बच्चे को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप वैक्सीन देंगे तो बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। जहाँ तक बात करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट, देखिए ये वायरल वैक्सीन है, इनकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए हम बार बार इन्फोर्स कर रहे हैं कि आप जितनी वैक्सीन लगाएंगे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे को मीजल्स हो जाती है तो जो सिम्टम्स हैं हम उसको ट्रीट करते हैं, नमूने हैं तो नमूने की ट्रीटमेंट कर देंगे, एयर इन्फेक्शन है तो एयर इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट करेंगे, कोई स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि एंटीवायरल हम इसमें देते नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, अगर किसी को हो गया तो उसको अपनी डाइट स्ट्रांग करनी चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, हेल्दी फूड जैसे आजकल फ्रेश फ्रूट्स मौजूद हैं उनका इस्तेमाल हो, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, फ्लूइड इनटेक अच्छा लेना चाहिए ताकि बच्चों को डिहाइड्रेशन ना हो और बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहे। ओके, और क्या फूड ऐसा है जो नहीं खाएं फिलहाल? ऐसा कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ना खाएं। बहुत से लोगों का एक मिथ है हमारे कि जैसे मीठा ना खाएं, मिर्चें ना खाएं जिससे खुजली होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मिर्चों का होता है कुछ, बहुत से लोग कहते हैं कि मिर्च ना खाएं इससे इचिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इचिंग इट्स अ पार्ट ऑफ द डिजीज, तो उसमें बस आपने सिर्फ उसको सूदिंग एजेंट्स देने, फ्लूइड इनटेक वही बात है, फ्रेश फूड जैसे आजकल सिट्रस फूड बहुत सारे मौजूद हैं आपके पास, मिठे हैं, ग्रेप फ्रूट्स हैं, अब ऑरेंजेस भी आने वाले हैं, अनार और अंगूर हैं, सब में वाटर कॉन्टेंट जिसके अंदर भी ज़्यादा उसका इनटेक अच्छा रखें। ओके ठीक है, तो फिलहाल तो टाइम नहीं है, बट थैंक यू सो मच। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी कुछ लोगों को डायरेक्टली आप ये कैमरा? सबसे पहले बात ये है कि जब हमारी हुकूमत हमारे बच्चों के लिए इतना अहम इकदाम कर रही है और जिसमें हम सारे डॉक्टर्स इस वक्त इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा पैरामेडिक्स स्टाफ आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो हम डॉक्टर्स की, मैं एज अ पीडियाट्रिशियन जो है पूरे डॉक्टर्स के बिहाफ पे आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हर बच्चे को 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीन ज़रूर लगाएं, उनको सेहतमंद मुस्तकबिल ज़रूर से दें। शुक्रिया।
ऑल राइट, वेल थैंक यू डॉक्टर इतना सारा कुछ बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए. और जितनी वैक्सीनेशन सब जगह दी जा रही है वो तमाम सेफ है, हम ये सोच के नहीं लगवाते कि ये शायद सेफ नहीं है. थैंक यू सो मच तमाम चीज़ें क्लियर करने के लिए. और अब आप कुछ नहीं, बस सारी चीज़ें सामने हैं, आप देख सकते हैं. यहाँ पर मैंने जो चिकन टिक्का फ्राइड राइस बनाए थे उसमें मैंने स्प्रिंग अनियन, हरा धनिया और थोड़ी सी बारीक कटी अदरक शामिल की. ऊपर से इसलिए एक स्क्वायर बना कर रख दिया ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये कोई डिफरेंट सी चीज़ है. आप चाहें तो दो तीन भी रख सकते हैं, मैंने एक रखा है. अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें क्रीम शामिल की थी, जो हमारी मलाई चिकन हांडी जो बन रही थी, वेजिटेबल हांडी, इसमें हमने क्रीम शामिल की. और बादाम का पाउडर या काजू का पाउडर डालने का मकसद ये है कि इससे क्या होगा, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, एक थिकनेस आ जाएगी. और हलवा तो आपके सामने ही है, ज़बरदस्त सा यहाँ पर रेडी है. तीनों रेसिपीज तैयार हो गई. डॉक्टर आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शो के बाद हम आपको कहेंगे कि भरपूर, क्योंकि हमने बातें तो ऐसी ऐसी की हैं मीज़ेस एंड वायरस वाली, लेकिन खाने की खुशबूएँ अच्छी अच्छी आ रही थी तो माहौल भरपूर दिया, अच्छा खुशबुओं से भरपूर. तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ना, आप शो आपको भी अच्छा लग रहा होगा. आज की रेसिपीज़ इन तमाम चीज़ें, और ये तमाम चीज़ें सिर्फ आप लोगों के लिए है अवेयरनेस देने के लिए. एंड ऑफकोर्स आपा आ गई हैं रेसिपीज़ वापस से, वही वापस से ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जानेंगे, ढेर सारी और मजीद बातें करेंगे. फिलहाल आपसे इजाज़त लेने का टाइम है, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे भरपूर मज़े की रेसिपीज़ और बहुत सारी बातें. एंड ऑफकोर्स आज के दिन कॉल्स नहीं ले सके, आप कल से इंशाल्लाह लेंगे ज़रूर, ताकि आप लोगों से भी बात कर सकें वो सारी बातें जो आप लोग यकीनन सोच के बैठे थे दिलों में कि अब आपा आएंगी तब हम जी शुरू करेंगे. तो फाइनली अब आपा हैं, तो अब जितना दिल करे सब पूछ लीजिएगा. इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात. अल्लाह हाफिज़.